सेल्फी के जरिए सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट्स की वाहवाही तो ठीक है, लेकिन इसकी कीमत अगर जान हो तो इससे बचना ही सही है। सेल्फी लेने का शौक पर्यटकों के लिए जान पर भी भारी पड़ सकता है। कभी शेर के बाड़े में घुस जाना तो कभी उसके साथ सेल्फी लेना और अब मगरमच्छ को प्लास्टिक समझ लेना। आए दिन ऐसे कई मामले हमें देखने को मिलते हैं जहां सेल्फी के चाह में युवक ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। ऐसा ही मामला फिलीपींस से आया है जहां एक युवक की जान उस वक्त आफत में पड़ गई जब सेल्फी लेने की सनक में जीते जागते मगरमच्छ को प्लास्टिक समझ लिया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि आप भी हैरान रह जाएंगे। सेल्फी लेने की सनक में वो मगरमच्छ के ठीक पास पहुंच गया और इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शख्स अपने जन्मदिन के मौके पर अम्यूजमेंट पार्क का लुत्फ उठाने आया था, लेकिन उसकी एक गलती से सब कुछ खराब हो गया। 68 वर्षीय नेहमियास चिपाड़ा अपने जन्मदिन के मौके पर कैगायन डे ओरो सिटी स्थित अम्यूजमेंट पार्क गए थे। यहां वो 12 फीट लंबे मगरमच्छ को प्लास्टिक का समझ बैठे और उसके पास सेल्फी लेने चले गए। तभी अचानक मगरमच्छ ने उनके हाथ पर झपट्टा मारा और उन्हें अपने साथ पानी में ले गया। यह नजारा देखकर चीख पुकार मच गई। कुछ देर तक नेहमियास चिपाड़ा दर्द से तड़पते रहे और जैसे ही मगरमच्छ की पकड़ ढीली हुई वो बचकर भाग निकले। दरअसल मगरमच्छ अपने लिए बनाए गए एक छोटे से पूल में था, इसलिए नेहमियास के लिए बाहर निकलना संभव हो सका। शख्स का एक हाथ इस हमले में बुरी तरह घायल हो गया है। वहीं इस घटना के लिए पीड़ित और उसके परिवार ने अम्यूजमेंट पार्क को ही दोषी ठहराया है। नेहमियास का कहना है कि पार्क प्रबंधन को सूचना देना चाहिए कि मगरमच्छ असली है, वो कम से कम एक बोर्ड तो टांग ही सकते हैं। यदि प्रबंधन ने ऐसा कुछ किया होता तो ये हादसा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।